कराची में मानसून का ताकतवर स्पेल की दबंग एंट्री। तूफानी बारिश के बाद जल थल एक हो गया। स्टील टाउन, चारा कायद, सदर एमएमए, जिनार रोड, अजीजाबाद, नासमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी पानी। बारिश और तूफान के बायस फीडर जवाब दे गए। सैकड़ों फीडर ट्रिप होने से बिजली गायब हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाल्लाह ताला इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुँचा के दम लेंगे। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मारा है। बंदूक के जोर पर बलोचिस्तान को तोड़ना इनकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दों की कोई कौम कबीला नहीं होता। ये नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। ये रियासत की लड़ाई है। हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। इनके सहूलतकारों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उस वक्त तक 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मुज़ाकरात किससे करें, ये मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दों को भारत से पैसे मिल रहे हैं। अकबर बुगटी की शहादत के बाद बलूचिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग तरक्की के सफ़र में पीछे रह गए। इसमें दूसरे सूबों का कोई कसूर नहीं। बलूचिस्तान की कई दफ़ा दूसरे सूबों से आने वालों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया। बोले, लापता अफराद के मामले को बास लोगों ने ज़रिया मुआश बना रखा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मारे गए। जब आप जिम्मेदारी का तयन करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी तरफ आएगी कि आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया है। आप इन लोगों को वापस लेके आए। शहदा की कुर्बानियों को हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं और जो लोग जख्मी हुए उनको भी खिराजे तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, 2018 से 2022 तक नेशनल इलेक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा होना होगा। इस मसले पर सियासत ना की जाए। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस कहा, दर्जनों अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। सूबाई और मरकजी हुकूमत अमन अमान के क्याम में नाकाम रहीं, अपने मफादात के तहफ्फुज़ में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द खुलम खुला फिर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की सर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुल्क की मजमू सियासी सूरतहाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। मूसा खेल और किल्लात में मुसाफों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर दुआए मगफरत। हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस और अहल खाना से गम का इजहार किया गया। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। निहत्ते और मासूम लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। अपोजिशन लीडर ने जाँबहक मुसाफिरों के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरतहाल पर गौर किया जाएगा। इक्तसादी राबता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामदगी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। विफाकी काबीना ऑपरेशन नस्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपये की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना रेकोडिक मनसूबे की सिक्योरिटी की मद में भी FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपये की मंजूरी देगी।
वफाकी दारुलहुकूमत में बलदियाती इंतखाबात से कबल बलदियाती ढांचे में तब्दीली का कानूनी कौमी असम्बली में मंजूर तरमीमी बिल के तहत यूनियन काउंसिल में जनरल वार्ड्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 9 की जाएगी। यूनियन काउंसिल में खवातीन मेंबर्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 3 की जाएगी। बिजनेसमैन या टेक्नोक्रेट को भी यूनियन काउंसिल बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा। इदारे के मंजूर नज़र मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बना दिया। मानी पीटीआई अडियाला जेल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर बरस पड़े, कहा मोहसिन नकवी ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, फिर क्रिकेट का बेड़ा खर कर दिया। वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई और अब बांग्लादेश से भी हार गई। मानी पीटीआई ने कहा इनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है उनकी टांगे कांप रही हैं। मानी पीटीआई ने मजीद कहा बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। आज अदालत को आगाह किया है ताकि चूहे खत्म हो सकें। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो होगी थी कि मैं रिज़ाइन करूं और घर चला जाऊं। मैं जाऊंगा लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊंगा। इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है। क्रिकेट टीम का ये हाल आज नहीं हुआ, टीम पिछले 3 साल से बुरी हालत में है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊं। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊँगा। बोले जिसको इलेक्शन पर एतराज़ है वो पहले ही मुतलका फॉर्म में जा चुका। मोनिस इलाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त, अदालती अहकाम पर मोनिस इलाही का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। तर्जमान FIA लाहौर के मुताबिक मोनिस इलाही के साथ 6 और मुलजमों का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजम किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, अदालत जो अहकाम देगी अमल दरामद होगा। FIA ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार औरिया मकबूल जान के मोबाइल की टेक्निकल रिपोर्ट हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक औरिया मकबूल जान के व्हाट्सएप से एक ग्रुप पकड़ा गया जो इदारों आला अदालती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। औरिया मकबूल जान पैसे लेकर इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में डीप फेक के जरिए वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया जा रहा था। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात फैलाने के केस में मुल्ज़िम फरहान आसिफ बेगुनाह करार। फरहान आसिफ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फरहान आसिफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। फरहान आसिफ तफ्तीश में बेकसूर करार दे दिए गए, उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़ीर तोवानाई ने बिजली सार्फीन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की तजवीज़ पेश कर दी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओवैस लगारी ने कहा बिजली सार्फीन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है, हम नए बोर्ड्स के जरिए कंपनी में सार्फ को बेहतर इज्जत देंगे। आम आदमी भी हमारे सिस्टम में किसी काम के लिए कॉल करेगा तो उसे जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। डिस्कोस को इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। पंजाब हुकूमत के दिए गए रिलीफ पर बिजली कंपनियों को सख्ती से हिदायत की है कि एक यूनिट की गलती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफी के सवाल पूछने पर वजीर तवानाई बरहम हो गए। कैपेसिटी पेमेंट यही होती है भाई, आपको क्या पता कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है। यह आपकी गलत इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन आइंदा ठीक किया करें। सिर्फ नेपको के रीजन में 15.6 या 7% चोरी है, उसको खत्म करना हमारा फर्ज है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाका इस्लामती फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई तआवुन को मजीद बढ़ाने के इकदामात पर बातचीत। सिपा सलार ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। कमांडर जनरल ली ने पाक फौज की गैर मुतजलजल पेशावराना महारत और लगन को सराहा। इससे कबल GHQ आमद पर जनरल ली ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअस्सिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।